स्मार्ट सिटी दिस वीडियो अब और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉग के ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में क्या एडवांटेजेज़ हैं क्या अब ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो है वो वन ऑफ दोज ब्लॉक जो अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया है तकरीबन डेढ़ महीना पहले और उस ब्लॉक को जो मार्केट किया जा रहा है जिनके उसके प्रोज बताए जाने मार्केट हैं में मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा और सेकंड पार्ट में उसका कौन एक्सप्लेन कर दूंगा कि ओवरसीज़ प्राइम जो है उसका कौन क्या बनता है अब बल्कि पहले एक कौन एक्सप्लेन करते हैं कि ओवरसीज़ प्राइम जो है ऐसा कौन क्या है ओवरसीज़ प्राइम जो है बेसिकली ये लोकेटेड है चक्री रोड वाली साइड पे, यानी जो चक्री रोड है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो अभी करंट एंट्रेंस है वो चक्री रोड से गेट नंबर टू से है तो ये चक्री रोड की तरफ से आप कह लें कि नियरेस्ट ब्लॉक है स्मार्ट सिटी में एंटर होने के बाद इस ब्लॉक की सेपरेट एंट्रेंस है अब एट द सेम टाइम चक्री रोड ब्लॉक होने के साथ इसका मतलब यह है कि ये ब्लॉक मेन एम टू मोटरवे पर जो मेन इंटरचेंज बनेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी से उससे दूर है उसके बिल्कुल पास नहीं है उससे थोड़ा दूर है तो ये एक कौन कंसिडर किया जाएगा बेशक एक रोड कनेक्टिंग रोड हो जो 1.8 या 1.6 किलोमीटर के बाद इसे एम मोटरवे से मिला दे लेकिन फिर भी जो ओवरसीज़ टू का एडवांटेज हासिल होगा वो ओवरसीज़ प्राइम को कभी भी हासिल नहीं होगा वो ये कि ओवरसीज़ टू जो डिस्ट्रिक्ट टू है वो एंट्रेंस के साथ एम टू से उतरते साथ ही सबसे नियरेस्ट ब्लॉक जो है वो ओवरसीज़ टू बनता है और जो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक होगा वो नियरेस्ट ब्लॉक नहीं होगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट एट किलोमीटर का एम टू से उतरने के बाद तो ये किसका कौन है अब बात करते हैं, मतलब मेरे नजदीक ये कौन है बाकी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से लोगों के नजदीक कौन नहीं होगा अब बात करते हैं जी इसके प्रोज पे जैसे उसको मार्केट किया कि इसमें मिनिमम स्ट्रीट जो होगी वो 50 फीट की होगी नंबर वन जो इसका प्रो है कि बाकी ब्लॉक की नस्त ओवरसीज वन एग्जेक्टिव वन ओवरसीज टू एक्जेक्टिव टू और हारनी पार्क ब्लॉक कहीं पे भी मिनिमम स्ट्रीट हर प्लॉट की 50 फीट नहीं दी गई यहां पे मिनिमम स्ट्रीट फिफ्टी फीट है ये तो पहला प्रो हो गया सेकेंड प्रो इसका ये बनता है कि ये ब्लॉक जो है वो सबसे ज्यादा एलिवेटेड ब्लॉक है यानी स्मार्ट सिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा हाइटेड ब्लॉक है जो मैंने पहले वीडियोज भी बनाई हैं अं� वो उनमें से ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक नंबर वन पे आता है क्योंकि इसकी एलिवेशन बाकी ब्लॉक की नस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ से बैठ के आपको पूरे स्मार्ट सिटी का एक आप कह लें कि एलिवेटेड व्यू या स्काई लाइन के नजर आना वो एक बहुत कन्फर्म सी बात है तो ये इसका हो गया सेकेंड प्रो अब थर्ड प्रो की बात करें कि एलिवेटेड होने के साथ साथ जो इसका है मुझे जो सबसे फेवरेट लगता है प्रो इसका वो ये लगता है कि ये गोल्फ कोर्स के साथ एडजस्टेंट है अब गोल्फ कोर्स के अंदर सोसाइटी इज क्लेमिंग के टू बिल्ड अराउंड थ्री थाउजेंड था। विलाज विजल डि डिजाइन बाय क्रेकनल और गोल्फ कोर्स जो डिजाइन कर रही है कंपनी उसका नाम है हेराडाइन गोल्फ हरेडाइन गोल्फ का दुनिया में बहुत बड़ा नाम है नाइन्टी वन ईयर से उनकी हिस्ट्री है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए दुनिया में तो उसके साथ एडजस्टमेंट होना ये बन जाएगा रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले बताया कि ओवरसेज टू फेवरेट है टिल द टाइम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हाई राइज पे नहीं जाती वो सबसे ज़्यादा फेवरेट ब्लॉक है इन्वेस्टमेंट से लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्यों है ये मैंने आपको बता दी अब चार फुट रोड एडजस्टन टू तो गोल्फ कोर्स अब उसके अलावा जो एलिवेटेड uh, ब्लॉक फोर्थ इसका ये कि इसके अंदर सात जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे नियस्ट है बिल्कुल चहान डैम वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स थीम पार्क बनेगा फेरिस व्हील फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक और ये हो गए ओवरऑल चार पॉइंट्स पाँचवा पॉइंट्स अब ये प्रो भी है और कौन भी है पाँचवा पॉइंट ये है कि ये जो गेट है ओवरसीज़ प्राइम का ये नियरेस्ट है 1.7 किलोमीटर अवे फ्रॉम चक्री सॉरी फ्रॉम मीरा शरीफ इंटरचेंज जो रिंग रोड के ऊपर इंटरचेंज बनेगी गवर्नमेंट के इंटरचेंज उसके साथ सबसे ज़्यादा नज़दीक तीन जो ब्लॉक होगा वो होगा ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक अब 1.7 किलोमीटर का गैप है लूप शूप बनने के बाद जब उसकी इंटरचेंज की लूप बनेगी और साथ डिस्टेंस मजीद कम हो जाएगा और इसके साथ जो चक्री रोड पर पब्लिक रोड होगी उस पर जो कमर्शियल बनाए जाएंगे उनका एक इफेक्ट ओवरसीज़ प्राइम पर आने का चांस नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो कमर्शल होंगे वो ग्राउंड प्लस टेन या ग्राउंड प्लस ट्वेल्व होंगे शुरू के कुछ जो कमर्शियल फेसिंग प्लॉट्स होंगे उन पे इसका इफेक्ट आएगा नेगेटिव बाकी ओर ओवरसीज़ प्राइम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा हाँ ओवरसीज प्राइम को जो नियरस्ट रास्ता मिलता है वो सिर्फ चक्री रोड से ही मिलता है टूवर्स रिंग रोड और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा अगर लट से जी ओवरसीज प्राइम होता है जहाँ पे ओवरसीज टू और यही चीज़ें होती हैं जो भी प्रेजेंट की जा रही है। 50, 50 हैं गोल्फ कोर्स एडजस्टमेंट फिफ्टी फिफ्टी फीट रोड गोल्फ कोर्स एडजस्टमेंट या बाकी जो चीज़ें तो ओवरसीज जो प्राइम होता वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ब्लॉक होता हर साल के लिहाज से अगले दस साल का फॉरकास्ट देख लें पंद्रह साल की फोरकास्ट देख लें ओवरसीज प्राइम को कोई चीज भी कोई ब्लॉक भी बैक नहीं कर सकता था जस्ट बिकॉज इसकी लोकेशन बहुत प्राइम होती यहाँ पे इसकी ब्लॉक में लोकेशन में जो एक कौन आता है वो ये वन पॉइंट एट किलोमीटर फ्राम टू और बाकी इसको जो इंटरचेंज मिलने का वाहिद एक्सपेक्टेशन है वो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है यानी कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी रिंग रोड बनाएगी स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो कंपनी ने बनाना है यानी फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स प्लस एच आर एल हबीरफी लिमिटेड इन्होंने बना के सोसाइटी के लिए अपना इंटरचेंज इनफैक्ट इसका 90 परसेंट काम मुकम्मल भी हो गया अप्रूवल का तो ये इंटरचेंज होगा ये खुद बनेगा तकरीबन तो आज सा, स्टार्ट करते हैं साल डेढ़ साल दो साल में ढाई साल में बन जाएगा रिंग रोड का जो है वो क्योंकि गवर्नमेंट का है मैंने उसको कौन इसलिए कंसिडर किया कि वो गवर्नमेंट का रोड है और गवर्नमेंट के रोड कभी साल में बन जाते हैं और कभी दस दस साल नहीं बनते कभी पंद्रह पंद्रह साल नहीं बनते लाहौर रिंग रोड का हालत देख लें कि उसमें एक लूप ऐड करने के लिए पता नहीं क्या क्या रिसेंट वाक़ा सुने होंगे शायद कि एक मतलब छोटा सा पार्ट भी ऐड करना तो गवर्नमेंट को उसमें बहुत सारे पास प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है है। तो ये एक इसका कौन है बाकी ओवरऑल जो ओवरसीज प्राइमरी प्रोज हैं, वो लिविंग पॉइंट से सबसे ज्यादा फिजिबल ब्लॉक है क्योंकि जो गोल्फ कोर्स के विलास जब बनेंगे और इस लैंड होगी आपके पास जो बंदा गोल्फ कोर्स के अंदर विला अफोर्ड नहीं कर सकता लट से हाफ कनाल का विला रखती है कमी कीमत रखती है ढाई करोड़ तो आप ढाई करोड़ का विला अफोर्ड नहीं करते वही आप बयालीस लाख पैंतालीस लाख यहाँ जितने का भी प्लॉट है यहाँ पे अब वो बाय करें उसकी सारा कुछ चार्जेस मुकम्मल करें उसके बाद खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको वही गोल्फ कोर्स की वसिनिटी में ही विला तकरीबन एक करोड़ अस्सी एक करोड़ नवे लाख का पड़ेगा साठ सत्तर लाख अस्सी लाख का गैप आ जाएगा गोल्फ कोर्स के कंपैरिजन में तो ये ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के प्रोज एंड कॉन्स थे ये सारे मेरी जाती रहे थे कोई आपको इसमें मजदीद की चीज़ें एडअप करनी हो तो मेरे कमेंट में लाज़मी मैंशन करें कि ये चीज़ भी इसमें प्रो है ये भी कौन है मैं माइड भी कुछ मिस कर गया हूँ तो व्यूज दिस, दिस वॉज इट फ्राम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए हो, तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान ची मक दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदाफिज